मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। अरहंतादि पंच परमेष्टियों से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, यह प्रकरण यहाँ चल रहा था। पंडित जी साहब का चिंतन इतना सुंदर है कि जो कोई भी चर्चा हमारे दिलों दिमाग में उठती है, जो कोई भी प्रश्न और जो भी जिज्ञासा हमारे मन में उठती है, वही जिज्ञासा टोडरमल जी के आगे की पंक्तियों में हमारे को लिखी हुई मिलती है। कल यहाँ अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि वाला प्रकरण प्रारंभ किया था और इतनी सुंदर बात यहाँ कही गई कि भाई परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्लेश परिणाम, एक होते हैं विशुद्ध परिणाम और एक होते हैं शुद्ध परिणाम। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं उन समस्त जीवों में इन तीन में से कोई ना कोई परिणाम अवश्य पाया जाएगा। जीवन के परिणामन की गति तीन भांति वर्णी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरणी। एक पाप परिणाम है, एक पुण्य परिणाम है और एक धर्म परिणाम माने वीतराग भाव है। ये तीन तरह के परिणाम, सब जीवों की बात कर रहा हूं मैं, एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध भगवान तक सब जीवों की बात कर रहा हूं। सिद्ध भगवान में शुद्ध परिणाम चलता है, शुद्धोपयोग चलता है और बाकी संसारी जीवों में शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों प्रकार की बात हो सकती है। कल एक प्रश्न मेरे सामने यहाँ आया जिसमें पूछा गया कि भाई एकेंद्रीय जीवों के ये विशुद्ध परिणाम कैसे होते होंगे, चींटी मक्खी मच्छर आदि के विशुद्ध परिणाम कैसे होते होंगे। क्योंकि देखिए संक्लेश परिणाम के लिए कहा गया पाप भाव, बराबर संक्लेश परिणाम तो पाप भाव है, जिसके लिए हमने कहा था घर गृहस्थी के सारे विचार विकल्प, खाना पीना नहाना धोना कमाना, ये सब कुछ पाप परिणाम है, संक्लेश परिणाम है। तो एक बात और दिन में चल रही थी, मैंने कहा भाई ऐसा है कि इनमें भी इन क्रियाओं के करते समय, इन क्रियाओं के होते समय यदि आपके परिणाम भेद विज्ञान रूप है, आपके परिणामों में तत्व विचार चल रहा है तो वो विशुद्ध परिणाम हो जाएंगे। भोजन कर रहे हैं और तत्व विचार चल रहा है मन में तो क्या हो जाएगा, वो विशुद्ध हो जाएगा। दुकान पर बैठा है और ग्राहकों के आने जाने की अवस्था को देखकर परिणामों में मंद कषाय रूप है स्थिति, वेद विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो भी विशुद्ध है, क्योंकि क्रिया शुभ और अशुभ नहीं होती, परिणाम शुभ और अशुभ होते हैं। उस क्रिया तो जड़ की क्रिया है, उस जड़ की क्रिया के काल में परिणाम किस प्रकार के थे उस पर निर्भर करता है। तो अशुद्ध परिणाम माने संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम माने शुभ भाव, और शुद्ध तो अलग ही है, वो तो रागादि से रहित है। तो प्रश्न जहाँ का तहाँ रह गया, एकेंद्रीय जीवों के पंच परमेष्ठियों की भक्ति आराधना रूप विशुद्ध परिणाम कैसे होंगे। चींटी मक्खी मच्छर आदि के ये पंच परमेष्ठियों की भक्ति आदि रूप विशुद्ध परिणाम कैसे होंगे, जबकि जिनागम तो ये कहता है कि अशुभ और शुभ ये दोनों प्रकार के भाव उनके भी होते रहते। देखिए भाई हम हैं सैनी पंचेंद्रिय, हमारे सारे काम में मन का सहयोग होता हुआ दिखाई देता है, सब कामों में ऐसा लगता है, हमें तो ऐसे लगता है मन के बिना उनके भाव काम कैसे होते होंगे, जब मन ही नहीं है तो भाव कैसे चलेंगे उनके। लेकिन मन के बिना भी काम होते हैं वहाँ। मैं कभी कभी ऐसा समझाता हूँ, जो व्यक्ति जिस लेवल का होता है उसके परिणाम भी उसी लेवल के चलते हैं, उसकी सोच भी वैसी ही चलती है,
उसके भाव भी उसी प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, आप जो सोचते हो आपकी सोच आपके लेवल के अनुपात में ही होती है। आप अपने आजीविका के लिए सोच रहे हो, इनकम के लिए सोच रहे हो, तो आप जितना कमाते हो ना उसी अनुपात में आपकी इनकम के लिए सोच होगी। और झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति है कोई, तो उसकी सोच उसके लेवल के अनुसार ही होगी कि यार 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो कितना अच्छा हो आज। आप ये सोचेंगे 50,000 का प्रॉफिट हो जाए तो कितना अच्छा रहे, तो व्यक्ति के लेवल के अनुसार सोच होती है। देखिए, एक मुझे बहुत पुराना प्रसंग याद आता है, जब एलिजाबेथ यहाँ आई थी अपने भारत में, तो यहाँ भारत के लोगों को उसने देखा भीख मांगते हुए, भूख से तड़पते हुए, तो उसने अपने पास वाले लोगों से पूछा इनका ये हाल क्यों हो रहा है। उनको बतलाया गया कि भूख से ये हाल हो रहा है, इनको खाने के लिए ब्रेड भी नहीं मिलती, रोटी भी नहीं मिलती इनको खाने के लिए, ये उसको कहा गया। तो उसने तुरंत पलट करके क्या जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया कि यदि इनको खाने के लिए रोटी और ब्रेड नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, बिस्किट खा के पेट भर लिया करें। क्योंकि हम लोगों को जब रोटी नहीं होती है तो हम लोग बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। माने उसका सोचने का जो एंगल है, दृष्टिकोण है, वो उस जगह तक पहुंचता ही नहीं है कि जिनको रोटी नसीब नहीं होती है वो बिस्किट कहाँ से खाएंगे। ऐसे हम लोग सब सैनी पंचेंद्रीय हैं ना, तो हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारे विचार, हमारा विचार करने का एंगल सब कुछ मन के साथ में होता है। तो हमें ऐसे लगता है जिनके मन नहीं होगा वे बेचारे कैसे भाव करते होंगे, उनके शुभ अशुभ भाव किस प्रकार होते होंगे, ऐसा लगता है हमारे को। लेकिन सोचिए आप, जिनागम ये कह रहा है कि चक्रवर्ती के बेटे होने रूपी पुण्य उन विकलत्रय अवस्था में 923 पुत्रों ने बांध लिया था। बोलो, नित्य निगोद माहिते कड़ कर नर पर जाए पाए सुखदानी, समकित लई अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। बोलो, लगता है आपको ऐसा? चक्रवर्ती के बेटे होने रूपी पुण्य उन्होंने कब बांधा था? भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जो नित्य निगोद से निकल करके आए थे, बीच में एकाद पर्याय उन्होंने धारण की, इंद्रगोप कीड़े हुए, दो इंद्री पर्याय, गजाई की पर्याय जैसी उन्होंने धारण की और चक्रवर्ती के बेटे हो गए। तो हमारा प्रश्न ये है कि चक्रवर्ती के बेटे होने रूपी पुण्य उन्होंने कहाँ बांधा था? वही बांधा था ना, दो इंद्री पर्याय में। अब हमारा प्रश्न ये है कि उस दो इंद्री पर्याय में जब ऐसा पुण्य बांधा था तो उन्होंने कितनी तो भक्ति की थी, कितनी पूजाएं की थी और कितना स्वाध्याय किया था। भाव तो होंगे, बिना भावों के कर्म कैसे बंधेगा, बिना भावों के आयु कर्म कैसे बंधेगा। और भाव यदि निर्मल नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, तो वे वहां से दो इंद्री जीव चार इंद्री कैसे बन जाएगा, चार इंद्री जीव पंचेंद्री कैसे हो जाएगा, त्रियंश मनुष्य में कैसे आ जाएगा। एक इंद्री जीव एक इंद्री अवस्था से दो इंद्री पर्याय की यदि अवस्था प्राप्त कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके भाव चल रहे होंगे। अब हम नहीं पकड़ पा रहे हैं उसको। बोलिए, सबके सबका है इसी तरह का। एक इंद्री पर्याय में कितने भाव होंगे, दो इंद्री में कितने भाव होंगे, तीन इंद्री में कितने भाव होंगे, सब नक्की है, लेकिन वो मैक्सिमम के रूप में नक्की है। आपका प्रश्न ये है, जैसे मनुष्यों में 8-8 भाव की बात करते हैं, 48 भाव की बात करते हैं, उसी तरह से क्या औरों में भी निश्चित है क्या? कि सब में है निश्चित, यद्यपि 48 के संदर्भ में कोई स्पष्ट आगम प्रमाण नहीं मिलता है, वो तो लगातार भाव के संदर्भ में है। ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं इस तरह की और बातें, किस तरह के, यदि लगातार कितने हो सकते हैं? 66,336 भावों की चर्चा मिलती है शूद्र भावों के संदर्भ में। एक इंद्रिय पर्याय में 66,132 भाव हैं, 66,336 सबको मिलाकर के अपर्याप्त जीवों के भाव के संदर्भ में।
6012 करके इतने भव हैं, फिर उसके बाद में दो इंद्रिय जीव के 80 भव हैं, 3 इंद्रिय के 60 हैं, 4 इंद्रिय के 40 हैं, 5 इंद्रिय के 24 हैं। 5 इंद्रिय के 24 भवों में से 8 त्रियंश के हैं असैनी के, 8 सैनी त्रियंश के हैं और 8 मनुष्य के हैं। ये तो क्षुद्र भवों की चर्चा है जो संख्या के संदर्भ में बात है। यहाँ तो प्रश्न ये है कि यदि विशुद्ध परिणामों को पंच परमेश्वरियों से जोड़ा गया है तो एकेंद्रीय आदि जीवों के विशुद्ध परिणाम पंच परमेश्वरियों की भक्ति आदि रूप कैसे होते होंगे, ये हमारा प्रश्न है। जिनेन्द्र देव की भक्ति स्तुति के परिणाम कैसे होते होंगे, ये बात कैसे चलेगी बताओ? होता है कैसे? होता है उनके भी कोई ना कोई भाव इस तरह के होते हैं जो जिनेन्द्र देव के संपर्क में आने रूप होते हैं। दो इंद्रिय जीवों के ऐसे कहीं ना कहीं वो बहुत मंद होते होंगे, हम कैसे पकड़ पाए सैनी पंचेंद्रीय जीव? देव शास्त्र गुरु की भक्ति रूप तो नहीं है, लेकिन जिनवाणी का टच स्पर्श हो जाना मात्र ही, ये धर्मात्मा साधर्मी जीवों के शरीर का स्पर्श हो जाना मात्र ही उनके परिणामों में विशुद्धता ला देता है। जैसे क्षेत्र का प्रभाव कहा गया ना, क्षेत्र को वंदन किया यहाँ टोडरमल जी साहब ने, तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है बहुत सारी, तो लागू हो जाएगी ऐसा समझना चाहिए। तो और कुछ इसके संबंध में विशेष बात नहीं कही जा सकती है। हाँ होते वो सैनी पंचेंद्रीय जीव है, हम तो एकेंद्रीय जीवों की बात कर रहे हैं, विकलत्रय जीवों की बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो संस्कार, जैसे कहते हैं ना क्षेत्र का प्रभाव, आपने सुना है ऐसा रावण का वो प्रसंग जिस प्रसंग में सीता को हरण करके ले गया। अब सीता को हरण करके ले जाने के बाद उसने बहुत प्रयास किए कि ये सीता मेरी हो जाए, मैं सीता को पटरानी बनाऊंगा। जब भी जाता और सीता को छू ही नहीं पाता, वो छूता ही नहीं, सीता उसे टच नहीं करने देती। अशोक वाटिका में उसको रखा हुआ था, पूरे लंका में सबको इस बात की खबर थी, मंदोदरी को भी खबर लग गई। तो मंदोदरी ने कहा तुम इसे अपनाना चाहते हो तो एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम राम का भेष बना करके क्यों नहीं जाते हो? तुम राम का भेष बना करके सीता के पास में जाओगे तो सीता तुम्हारे को अपना लेगी, तुरंत तैयार हो जाएगी। तुम तो बहुरूपिणी विद्या जानते हो, तुम तो विद्याधर हो, अनेक प्रकार के रूप बना सकते हो, तुम ऐसा रूप बना करके क्यों नहीं जाते हो? तो रावण ने पता है क्या कहा कि तुम क्या समझती हो मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया होगा? बोले क्या बात है, फिर भी सीता तैयार नहीं हुई? कि नहीं नहीं, जब मैं राम का वेश बना करके सीता के पास में जाता हूं तो मुझे पर स्त्री सेवन जैसा भाव ही मन में नहीं आता। आप समझ रहे, वो वेश मात्र धारण करने से परिणाम बदल जाते हैं। जिन मंदिर में आने मात्र से आपके भाव बदल जाते हैं। अब आप कहेंगे साहब चोरी करने के लिए भी तो चोर आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम, मुख्यता से बात है। आप कुर्ते पजामे में आते हैं तो आपके भाव अलग होते हैं, जिन मंदिर आकर के धोती दुपट्टा पहन करके आते हैं तो आपके परिणाम ही अलग प्रकार के होते हैं। प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का। तो ऐसे ही एकेंद्रीय आदि जीवों का, विकलत्रय आदि जीवों का क्षेत्र आदि के कारण, काल आदि के कारण कुछ न कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ता होगा। पंच कल्याणक आदि कालों में जब हम ये कहते हैं कि 3 लोक के जीवों को तीर्थंकर के जन्म के काल में शांति की अनुभूति होती है, 3 लोक में क्षण मात्र के लिए शांति का वेदन होता है, शांति की अनुभूति होती है, तो क्या एकेंद्रियों को नहीं होता होगा, विकलत्रयों को नहीं होता होगा? बोलो, कभी कुछ, क्योंकि शुभ अशुभ चलते रहते हैं। अब वो उस शुभ के काल में आयु बांध लेवे, अवस्था बंध जावे तो ऊपर चढ़ जाता है, नहीं तो वो शुभ होकर के वापस अशुभ में चला जाता है। ऐसा है, अवसर तो मिला है बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये कहा कि भाई अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि में हम आपको ये कहना चाहते हैं, एक तो ये कि जैसे ही अरहंत आदि की भक्ति आदि करता है, कषाय भाव मंद होता है, परिणाम विशुद्ध होते हैं। इससे परिणामों की विशुद्धि होने से तेरे वीतराग विज्ञान विशेष ज्ञान रूपी प्रयोजन की सिद्धि होती है। एक बात,
वितराग विशेष ज्ञान रूपी प्रयोजन की सिद्धि हो गई, ठीक है। नंबर दो, ये तो वर्तमान में हो गया, अब पूर्व में कोई जो पाप बांधा था, पूर्व में जो बंधे हुए कर्म थे, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों का भी मंद बंद होता है या उनमें मंदता आ जाती है, उनमें आकर्षण हो जाता है, ये भी लाभ हुआ। तो ये दो प्रकार से यहाँ लाभ की बात कही। अब देखिए इसी प्रकरण को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, सात नंबर पेज देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, सात नंबर पेज पर क्या बात कर रहे हैं। अथवा अरहंतादिक के आकार का अवलोकन करना, क्या कह रहे हैं? अब देखो, अब ये विशुद्धता की बात कह रहे हैं, आकार का अवलोकन करना। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बोलो, चार इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव अरहंत भगवान के आकार का अवलोकन कर सकता है कि नहीं? मच्छर है, मक्खी है, टोडरमल जी कह रहे हैं यहां अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना। अभी चार इंद्रिय नहीं, अभी हमारे ऊपर लगाओ, तरे जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को देखने मात्र से परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पै धरे, वहां भी विशुद्ध हो गए। वीत रागी को लख वीत रागी बनो, फिर समझ लो के भव भव का फेरा गया। वीतरागी को देखने से वीतरागता के भाव होते हैं, रागियों को देखने से राग के भाव होते हैं, कषायियों को देखने से कषाय के भाव होते हैं, ये जगत का स्वरूप है ऐसा। भोगियों को देखने से भोग के भाव होते हैं, तो आप जैसा देखते हैं वैसे परिणाम होते हैं, ऐसा संबंध है। टोडरमल जी इसको निमित्त निमित्तिक संबंध कह करके पुकार रहे हैं। आगे तीसरी लाइन में देखो, आकार का अवलोकन करना, अब आप तो सैनी पंचेंद्रिय हैं, उनके स्वरूप का विचार करना, अरंत कैसे हो गए हैं, अरंत के स्वरूप का कैसा विचार करना, जैसा पीछे पेज नंबर दो पर बतला चुके थे अरंत भगवान का स्वरूप, वैसे स्वरूप का विचार करना। आप कैसे स्वरूप का विचार करते हैं? आप शांति से बैठे हैं यहाँ, और जब आपको कहा गया कैसे होते हैं अरंत भगवान, तो बताओ आपको कैसा लगता है? अरे अनंत भगवान, आंख बंद करके अनंत भगवान के स्वरूप का विचार करो तो आपको कैसा दिखेगा? अनंत भगवान बैठे हुए हैं, पीछे भवंडा लगा हुआ है, ऊपर तीन छत्र हैं, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, दोनों साइड चंवर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कमल से अधर हैं, चार अंगुल ऊपर हैं, आपको ये सब दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहे हैं अनंत भगवान। टोडरमल जी कह रहे हैं, भाई साहब विचार में ये बात नहीं है, ये सब भी होता है। टोडरमल जी ने क्या लिखा, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। जो अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने स्व अपने सहित अपने आत्मा सहित समस्त लोकालोक के पदार्थों को जानते, ये विचार करने का नाम है अनंत के स्वरूप का विचार करना। इससे दो बातें हो गई, अनंत के आकार का अवलोकन करना, अरहंत आदि के माने अरहंत भी, सिद्ध भी, आचार्य उपाध्याय साधु भी, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, विचार करना। एक प्रश्न और आया था कल मेरे सामने कि साहब सिद्ध भगवान तो निराकार होते हैं, तो सिद्धों के स्वरूप को चित्र बनाते समय व्हाइट कलर में क्यों बनाते हैं, सफेद क्यों बनाते हैं, सिद्धों का कलर सफेद क्यों दिखाते हैं? कि भाई सफेद शुभ्रता का प्रतीक होता है, शुभ्रता का प्रतीक होता है, सफेदी उज्ज्वलता का प्रतीक होता है, और हम यदि बिना कलर का बनाएंगे तो तुम देख कैसे पाओगे? इसलिए जितने चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों में सिद्ध भगवान को कैसा बनाया जाता है, सफेद रंग का दिखाया जाता है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में सिद्धों को दिखाने के लिए, लेकिन सिद्ध भगवान सफेद रंग के होते नहीं है। एक सज्जन पूछना चाहते हैं सिद्धों का स्वरूप बतलाइए, मैं बहुत विस्तार से सिद्धों के स्वरूप की चर्चा पहले कर चुका हूँ, आप यदि पिछले प्रवचनों में सुनेंगे तो सिद्ध भगवान के स्वरूप की चर्चा आपके ख्याल में आएगी। मेरे ख्याल से तीसरा चौथा प्रवचन होगा, तीसरे प्रवचन में सिद्ध भगवान के, चौथे प्रवचन में सिद्ध भगवान के स्वरूप की चर्चा होगी। देखिए आप यहाँ स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, अभी जिनवाणी सुनने की बात हो गई, या निकटवर्ती होना, पक्षाल कर रहा है, पूजन के लिए आ गया है, भगवान के सामने खड़े होकर के उनके स्वरूप का विचार कर रहा है, ऐसा होता है ना।
कि दृष्ट्वा भवन्त मनिवेश विलोकनीयम् नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षरे। भगवान आपके स्वरूप को देखा तो देखता ही रह गया, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। ऐसा ऐसा दे भगवान हटती नहीं है। मानतुंगाचार्य कह रहे हैं नजर हटे कैसे, ऐसी वीतराग छवि को देख करके, ऐसी शांत छवि को देख करके परिणाम उज्जवल हो गए। तो निकटवर्ती हुए और या उनके अनुसार प्रवर्तन करना उस बात को सुनकर इत्यादि कार्य तत्काल ही। प्रयोजन सिद्धि की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिकों को हीन करते। देखो आप, पंच परमेष्टियों के समागम मात्र से रागादिक हीन हो जाते हैं, कषायें मंद पड़ जाती है उनके समागम मात्र से। जीव अजीवादिक के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। लो, उनका विचार आने मात्र से जीव अलग है और अजीव अलग है, ऐसा विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये सब अंतरंग प्रयोजन की सिद्धि बतलाई। पंच परमेष्टियों की भक्ति से, पंच परमेष्टियों के स्तवन से, पंच परमेष्टियों के सानिध्य से, उन्हें वंदन आदि करने से, ये सब करने से क्या होगा, प्रयोजन की सिद्धि होती। कौन से प्रयोजन की सिद्धि हो गई, वीतरागता प्रकट हो रही है। भाई आपका प्रयोजन तो कषायों की मंदता था ना, वीतरागता था ना, राग का अभाव हो जाना प्रयोजन था, यहां राग की मंदता हो गई, ये प्रयोजन सिद्ध हुआ। विशेष ज्ञान हुआ, जीव अजीव का भेद विज्ञान हुआ उन्हें देखने से, तो हमारा ये विशेष प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। चल में आ रही है बात, अब सुनो। अब इतना सब कुछ बतला देने के बाद, इतनी चर्चा कर लेने के बाद, प्रश्न उठाते हैं टोटरमल जी साहब। आपका कोई प्रश्न उठता है, वो लगता है आपको अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। टोटरमल जी कह रहे हैं यहां कोई कहे, ध्यान देना किताब में 7 नंबर पेज पर देखिए, यहां कोई कहे कि इनके द्वारा, यहां कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है। सही बात है भाई, तुमने कहा वो तो ठीक है, ये तो मान लिया हमने, जो तुम कह रहे हो वो तो हमारे को स्वीकार है। परंतु ये टोटरमल जी का परंतु बड़ा गजब का है। अपने ब्रह्मचारी अभिनंदन जी है ना, उन्होंने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को इतनी बार पढ़ा और एक एक चीज की संख्या निकाली। वीतराग शब्द कितनी बार है, विशेष ज्ञान शब्द कितनी बार है, भेद विज्ञान शब्द कितनी बार है, परंतु शब्द कितनी बार है, तो उनके अनुसार मैं कहता हूं 700 बार, 701 भी नहीं और 699 भी नहीं, 700 बार टोटरमल जी ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में परंतु शब्द का प्रयोग किया है, 700। और टोटरमल जी के परंतु का मतलब जानते हो आप, परंतु का मतलब ये है कि परंतु के पहले कही गई जितनी भी बात थी वो सारी की सारी बात पलट करके दूसरी बात कहते हैं। क्या परंतु के बाद में वो बात पलट करके कह रहे हैं, ऐसा तो है परंतु, परंतु माने वो नहीं है। अब जो तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। ये देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि तो होती है, शिष्य का प्रश्न है, शिष्य कह रहा है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो। क्या यहां कोई कहे ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो, हाँ साहब ठीक है, वितरक विशेष ज्ञान तो होता है, मान लिया ये तो हो गया, परंतु जिससे इंद्रिय जन्य सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं, ये बताओ। हमें तो इंद्रिय जन्य सुख चाहिए, हमें तो खाने पीने वाला आनंद चाहिए, हमें तो मौज मस्ती वाला सुख चाहिए, हमें तो घूमने फिरने वाला चाहिए, हमें तो अच्छा मकान चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा रहने के लिए सुविधाएं चाहिए, एसी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए, काम अच्छे होने चाहिए, हमें तो ये चाहिए, ये होता है कि नहीं, ये बताओ आप तो अरहंत आदि के माध्यम से। और यदि ये नहीं होता है तो हम कहीं को आए अरहंत भगवान के पास, हमने तो सुना है भगवान वीतरागी है। क्या बोलो, भगवान तो वीतरागी है। अब भगवान वीतरागी है, भगवान कुछ देते लेते तो है नहीं। जब कभी हम
लोगों के सामने इस प्रकार की बात करते हैं कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, तो पता है लोग क्या कहते हैं, अरे यार भगवान कुछ देते तो है नहीं, फिर लोग दर्शन क्यों करेंगे, फिर लोग मंदिर क्यों आएंगे, फिर भगवान पूजन भक्ति क्यों करेंगे। अभी कम से कम ये मानने से कि भगवान की पूजन भक्ति करने से भगवान कुछ देते हैं, लोग मंदिर तो आते हैं, ये प्रश्न टोडरमल जी के दिल में भी चल रहा था। और टोडरमल जी ने प्रश्न उठा दिया, आपको मालूम है ये प्रश्न टोडरमल जी के स्वयं के उठाए हुए हैं। ऐसा प्रश्न उठाया पंडित जी साहब ने, हमें तो एक बात बतला दो, इंद्रिय सुख मिलेगा कि नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूंगा मेरी आंखें अच्छी हो जाएगी कि नहीं, कान थोड़े से खराब हो रहे हैं, मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, यहां आऊंगा भक्ति करूंगा, मेरे कान ठीक हो जाएंगे कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी कि नहीं, मेरा कैंसर मिट जाएगा कि नहीं, डॉक्टर ने इतनी तकलीफ बतलाई है, रिपोर्ट सारी खराब आई है, ये सब सही हो जाएगी कि नहीं, ये बताओ। यदि ये हो जाए तब तो हम अनंत की भक्ति खूब जोर जोर से करेंगे, माइक पे चिल्ला चिल्ला करके ढोल मंजीरे बजा करके करेंगे, हम खूब करने को तैयार हैं, आप कहो तो रोज भक्तामर का पाठ करेंगे, लेकिन एक बार ये कह दो कि इससे भला हो जाएगा। और देखो आप दुनिया में यही हो रहा है, लोग यही बात कह रहे हैं, ये कोरोना फैल रहा है ना, इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का ऐसा करो, इसका पाठ करो, पूरे दुनिया में सारे जैनी मिलकर के अपने घर में बैठ करके इसका पाठ करो, इससे क्या होगा, कोरोना दूर हो जाएगा। वाह रे वाह, क्यों जगत को धोखा दे रहे हो भाई साहब, क्यों बेवकूफ बना रहे हो। परिणामों की निर्मलता के लिए यदि आप ये सब कार्य करते हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। जिनेंद्र देव की भक्ति विशुद्ध भावों से यदि करते हो तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन स्वार्थ रख करके यदि आप ये काम करते हो तो ये योग्य नहीं है। प्रश्न उठाया और बड़े गजब के जवाब दिए, तबे ठीक होती है या नहीं, सुनो पहले तो टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं, होगी तबे ठीक भी होगी, चिंता मत कर। क्या बीमारी मिटेगी कि नहीं, बोले बीमारी भी मिटेगी, ऐसे जवाब दिए टोडरमल। अब टोडरमल जी ऐसे जवाब दे रहे हैं, हमें एकदम तो घबराहट होती है ऐसी। पहली बार जब ये वाक्य पढ़े टोडरमल जी के तो क्या कह रहे हो आप, ये सब भी होता है क्या? हाँ होता है, सुनना देखो ध्यान से, बहुत मार्मिक पैराग्राफ है और बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं यहाँ, टोडरमल जी गजब की बात कहना चाहते हैं, उसका समाधान, शंका का समाधान। जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, अरहंत भगवान के प्रति स्तवन भक्ति आराधना पूजा गुणानुवाद आकार अवलोकन उनके द्वारा बतलाए गए स्वरूप का विचार ये सब होते हैं, इनसे क्या होता है, विशुद्ध परिणाम होते हैं। ठीक है, ये तो पहले बता दिया था विशुद्ध परिणाम होते हैं, उन विशुद्ध परिणामों से उनसे अघातीय कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अब बोलो क्या क्या गजब बात कह रहे हैं, आपने ये सब किया इससे क्या होगा, साता वेदनी कर्म बंधा, अब साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा। 68 प्रकृतियां ऐसी है, 148 प्रकृतियों में से 68 जो प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं। मैं ये भी कह सकता हूं अभी तक जो ऊपर जो पैराग्राफ में चर्चा हुई है वो चर्चा तो इस प्रकार की हुई है जिसमें घातिया कर्मों संबंधी बात कही, वीतराग विशेष ज्ञान की कही ना, क्योंकि वीतराग राग होता है मोहनीय कर्म के निमित्त से, राग द्वेष कषायें होना मोहनी कर्म से होता है, मोहनी घातिया कर्म है। ज्ञान की विशेषता और ज्ञान की हीनता में निमित्त बनता है ज्ञानावरणी नाम का कर्म, तो घातिया कर्मों से वीतराग विशेष ज्ञान की बात कही, ये प्रयोजन की सिद्धि की बात कही। अब अघातिया कर्मों में भी तो कुछ होगा, तो बोले अघातिया कर्मों में जो पुण्य पाप का बंटवारा है ये स्तवन आदि करने से साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, ये पुण्य प्रकृतियों का बंधन हुआ साता वेदनी आदि। और यदि वे परिणाम तीव्र हो, वे पुण्य परिणाम भक्ति में विशेषता हो, विचारों में विशेषता हो, भक्ति करते करते अकेला भक्ति नहीं, पाठ करते करते पाठ के स्वरूप का विचार हो, इसका नाम है विशेष परिणाम, परिणाम विशेष रूप से उसमें मग्न हो गए, जो स्वरूप बतलाया जा रहा है, अरे एक एक लाइन पढ़ते हैं इतने भाव पूर्वक पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझ करके परिणाम उसके साथ में मग्न हो जाते हैं, ओहो मजा आ गया, क्या गजब स्वरूप है, कैसी भक्तियां बन गई है, कैसी स्तुतियां आ गई है, कैसे पाठ है और कैसी पूजाएं हैं, इन पूजाओं में स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय होता है इन पूजाओं में। मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूं, सुनो श्रावक के षट आवश्यक कहे हैं, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान,
ऐसा लिखा ना, देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय संयम हस्तपह दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। कहाँ की है लाइनें? पद्मनंदी पंचविंशति का। श्रावक के षट आवश्यकों की बात कही, प्रतिदिन करने योग्य है। तो मैं ये कहता हूं भैया, एक जिनेन्द्र देव की पूजन प्रतिदिन करने मात्र से ये छहों आवश्यक पल जाते हैं। जो रोजाना पूजन कर रहे हो ना, तो पूजन से देव पूजा तो हो ही गई। अब इस देव पूजा के साथ में वे अनंत भगवान गुरु भी हैं, परम गुरु हैं, जय जय नाथ परम गुरु। तो गुरु उपासना उसमें शामिल हो गई, देव पूजा गुरु उपासना। अब जो पूजन की जा रही है, उस पूजन को अर्थ समझते हुए भाव समझते हुए कर रहे हो तो स्वाध्याय हो रहा है। देव पूजा हो गई, गुरु उपासना हो गई, स्वाध्याय हो गया, वो स्वाध्याय चल रहा है वहां। जो भी बात कही जा रही है भेद विज्ञान की बात, और सच बात यह है, हे जिनेन्द्र देव, आपके स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए आज तक अनादिकाल से गड़बड़ होती रही। मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान, पूजा की नी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। हे भगवान, आप तो वीतरागी हो, अपने आप में लीन हो, इन बातों को जैसे ही गहराई से भावपूर्वक समझा, बोले स्वाध्याय हो गया। पूजन करते समय भोजन का परिणाम नहीं आता, पूजन करते समय भोगों का परिणाम नहीं आता, संयम है, संयम। क्या स्वाध्याय के बाद में संयम है, वो काल संयम का काल है, पूजन का काल। फिर तप क्या है? बोले निस्वार्थ भाव से पूजन करो, कुछ डिमांड नहीं हो, तो इच्छा निरोधस तप है। और जो सामग्री आप लेकर के आए, वो सामग्री आपने समर्पित की, सो दान। क्या आवश्यकों का पालन हो जाता है जिनेन्द्र देव की भक्ति पूजन से। अब जैसे जैसे स्वाध्याय उसमें शामिल हुआ, विशुद्ध परिणाम हो गए, तो परिणामों की निर्मलता से टोटरमल जी साहब कह रहे हैं, असाता आदि पाप प्रकृतियों का जो बंध हुआ था ना, पहले का हुआ हुआ था, जो पहले का पाप था, उन्हें भी मंद करता है, वो भी मंद हो जाता है। पुण्य तो बांध ही रहा है, और पहले का बंधा हुआ जो कुछ भी हो उसका क्या होगा? और बंद हो जाता है, ठीक है ना। अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमन करता है। बोलो, पहले का बंधा हुआ जो पाप था, वो पाप पुण्य में बदल जाता है, वो पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। पूर्व का बंधा हुआ पाप पुण्य में बदल जाएगा, नया पुण्य बन रहा है, ये प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। अब सुनो, अब आप जो इंद्रियजन्य बात कर रहे थे ना, आप जो विषय भोगों की बात कर रहे थे, उसके बारे में कह रहे हैं टोटरमल जी साहब, और उस पुण्य का उदय होने पर, उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। आपने की भक्ति, बंधा साता वेदनीय कर्म, बंधी पुण्य प्रकृतियां, और पुण्य के उदय से हो गया आपका काम। अब जगत ये कहता है भगवान ने किया, अरे भगवान ने किया, भगवान के करने से हो गया। नहीं नहीं नहीं, तेरे परिणामों का फल मिलता है, क्रिया का नहीं। परिणाम विशुद्ध थे, परिणाम उज्जवल थे, तो उसके कारणभूत स्वयमेव, स्वयमेव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने नहीं कर दिया है, तेरे मांगने से नहीं होगा, तेरी भिखारीपन की वृत्ति के निषेध के लिए स्वयमेव शब्द दिया है। मांगना मत, भीख मत मांगना भगवान के पास में जाकर के, ऐसा ऐसा है भगवान से जाकर के मांग, भीख मांगता है। कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को, ये बहुत सुंदर भजन की पंक्तियां हैं, प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिखारी। सुनिए लाइने कभी, प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिखारी। क्या क्या मतलब? भक्त का वेश बना करके आया था तो भिखारी, भिखारी था, भिखारी था, और आया कैसे? भक्त का वेश बना करके आया। क्या लाइने है? प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी, भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना निज पद पर। तू सच में भोगों का भक्त है, भगवान से आकर के डिमांड कर रहा है ना तू, इसका मतलब ये तू भगवान का भक्त नहीं है। सच्ची बात तो ये, आप भगवान के भक्त हो,
तो भगवान के भक्त तो भगवान को याद करके, भगवान के गुणानुवाद करके उनकी भक्ति करेगा, उनके गुण स्मरण करके। तूने भगवान को तो विचारा नहीं और तुझे तो भोग याद आ रहे हैं, तुझे तो अपना काम याद आ रहा है। हे भगवान बस ये संकट मिट जाए, हे भगवान बस ऐसा काम हो जाए। तू तो भोगों का भिखारी है, तू तो भोगों का भगत है, तू भगवान का भक्त नहीं। देखो कितनी मार्मिक लाइनें दी है। स्वयमेव इंद्रिय सुख के कारण भूत सामग्री प्राप्त होती है, अपने आप ऐसी सामग्री मिलती है जिससे इंद्रिय सुख की प्राप्ति होवे। तथा पाप का उदय दूर होने पर, अब पाप का उदय यदि दूर होगा तो क्या होगा, पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। तो दूर करना चाहता था, पाप का उदय दूर हो गया। पुण्य का उदय था, अनुकूल सामग्रियों की प्राप्ति होने लग गई। पाप का उदय था, प्रतिकूल सामग्रियां अपने आप चले गई। कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं। मैं अभी इन पंक्तियों में इतनी चर्चा कर सकता हूं कि दो चार दिन इन्हीं की चर्चा करता रहूं, लेकिन विषय को बढ़ाते रहे, बस मार्मिक पॉइंट जो है बस उन्हें टच करके अपन आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। माने इंद्रिय जन्य सुख की जो तू बात कर रहा था, उस प्रयोजन की भी सिद्धि अरहंत भगवान की भक्ति से, पूजन से हो जाएगी। बिजनेस में जो उलझ गया है ना, वो उलझन भी निपट जाएगी, तो चिंता मत कर, निपट जाएगी। हमें कोई ऐतराज नहीं है ऐसा मानने पर कि भगवान की भक्ति से ये हो जाता है। ये टोडरमल जी लिख रहे हैं, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी, सुख की भी होगी और जो दुख है, जो संकट है, जो परेशानियां हैं, वो भी स्वयमेव, स्वयमेव लगाना। लेकिन क्या भैया, स्वयमेव होगा, स्वयमेव दूर होते हैं। देखो आगे, अथवा अब एक और, एक तो पुण्य पाप से समझा दिया, अब दूसरा कह रहे हैं टोडरमल जी, अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, भगवान के भक्त हैं बहुत सारे देव, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का सहयोग कराते। क्या ऐसा होता है? आप देखिए, द्रौपदी का चीर बढ़ गया तो क्या मजाक का काम था? क्या देवों द्वारा किया गया था? सीता की अग्नि परीक्षा के समय अग्नि का जल हो गया तो कैसे हो गया? उसके पुण्य का उदय तो था, लेकिन देव लोग आ गए, देवों ने ये काम किया। सूली का सिंहासन हो गया, नाक का हार हो गया, अरे जो भी जितनी घटनाएं मिलती है, सेठ सुदर्शन को चढ़ाया जा रहा है, सूली पे चढ़ाया जा रहा है, देवों ने जय जयकार कर दी, पुष्प वृष्टि करना शुरू कर दिया। यमपाल चांडाल का प्रसंग मिलता है, बोलो श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया। ये होते हैं, श्रीपाल का कुष्ठ रोग तो साता के उदय से हुआ था। नहीं, ये तो देवों की चर्चा कर रहे हैं। जिन शासन के भक्त जो देवादिक हैं, वे भी इस प्रकार के कार्य करते हुए देखे जाते हैं। पुण्य का उदय होगा तभी होगा, लेकिन देव लोग भी ऐसा करते हैं। सुनो, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का सहयोग कराते हैं। जीवंधर कुमार की रक्षा के लिए, सहयोग के लिए यक्ष आ जाता था, यक्ष आ जाता था, कोई भी तीन वरदान देकर के चला गया। ऐसे कितने काम होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप निस्वार्थ देवों को बुलाने के लिए काम करोगे तो देव नहीं आएंगे। क्या भक्त जान करके आपके प्रति विशेष राग और अनुराग होवे तो वे स्वयमेव आ जाते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। वो देव लोग आ गए, दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर कर दिया। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है। अब टोडरमल जी फिर लगा रहे हैं परंतु अभी तो कह दिया कि तुझे लड्डू मिलेंगे, तुझे बहुत जो भोग सामग्री चाहिए वो सब मिलेगी, इंद्रिय जन्य विषय सामग्री की प्राप्ति होगी, भोग सामग्री की प्राप्ति होगी, तेरे संकट मिट जाएंगे, तेरा पाप दूर हो जाएगा, तेरी परेशानियां मिट जाएगी, तेरा बिजनेस चलने लगेगा, ये सारी बातें कह दी। परंतु परंतु क्या कह रहे हैं, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। बोल, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, बोलो परिवार और कुटुंब का वृद्धि नए पर तोलिए। तू तू एक बार वृद्धि को अपने नए पर, विवक्षाओं के ऊपर तोल कर तो देख, तेरे में क्या बढ़ गया, लक्ष्मी बढ़ गई था, पैसा बढ़ गया, तेरे में क्या बढ़ा?
पद बढ़ गया था, प्रमोशन हो गया, तेरे में क्या बढ़ गया ये बता। ये टोडरमल जी कह रहे हैं इंद्रिय सुख की सामग्री मिल गई, सामग्री बढ़ गई, धन बढ़ गया, वैभव बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, तेरे में क्या बढ़ा? मेरे में क्या बढ़ा? ये तो बढ़ तो रहा है ना, क्या बात कर रहे हो आप? क्या बोलो? अभिमान बढ़ गया क्या? ये सब बढ़ने से तूने अभिमान बढ़ाया, तेरा तो नुकसान हुआ है। तू सोच रहा है कि कुछ बढ़ गया है, बढ़ गया है, कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ता है। तू जिस प्रयोजन की सिद्धि की बात करता है उससे तेरा कोई हित नहीं है, उसमें तेरा कुछ भला नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं हमारे विद्यार्थियों को इस तरह की बात कि सुनो, यहां से निकलने के बाद, महाविद्यालय से निकलने के बाद तुम यदि कुछ कमा भी लोगे, 10-5-50 करोड़, 100-200 करोड़ भी कमा लिए, कुछ अच्छे पद प्रतिष्ठा पे पहुंच गए, दुनिया तुम्हारे को ये कहेगी कि लड़का बहुत आगे निकल गया। लेकिन जिनवाणी ये कहती है गुणस्थान बढ़ने को बढ़ना कहते हैं, लक्ष्मी के बढ़ने को बढ़ना नहीं कहते, परिवार के बढ़ने को बढ़ना नहीं कहते, पद प्रतिष्ठा के बढ़ने को बढ़ना नहीं कहते, गुणस्थान बढ़ने को जनागम में बढ़ना कहते हैं। गुणस्थान बढ़ा के नहीं बढ़ा ये बताओ? ऐसा वो तो नहीं बढ़ा, तो बोले कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं कहते हम, इसे बढ़ना ही नहीं कहते हम, इसका नाम बढ़ना नहीं है। देखो जरा, तो अपना हित नहीं है ये, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्ट पना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। सामग्री से सुख दुख नहीं होता। सिद्धांत क्या है, नियम क्या है? कषाय घटने से सुख है और कषाय बढ़ने से दुख है। सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है। कल शायद रात के प्रवचन में मैंने बात कही थी, सुख दुख परिणाम अनुसार होता है। रात की बात थी ना शायद? सुख दुख परिणामों के अनुसार होता है। सब कुछ है और परिणाम नहीं है साथ में, तो बेटा रोता रहेगा। सामग्री कुछ भी हो, अरबों खरबों की संपत्ति हो और माथा पकड़ करके रोता रहे, और कुछ भी नहीं हो, सूखी रोटी हो और बैठ करके मजे से खाता रहे। बोलो हाँ, और क्या है? दुखी हो रहे, पाप बांध रहा है। असाता वेदनी कर्म के बंधन के कारणों में उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र 6 अध्याय में ये बात कही है। वे क्या कह रहे हैं? दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान अन्य असत वेद्यस्य, असाता वेदनी कर्म बांध रहा है, रो रो करके दुखी होकर के भी। सारा जगत ये कहता है दूसरे को दुखी कर रहा है तो पाप बांध रहा है, और जिनवाणी ये कह रही है खुद दुखी हो रहा है तो भी पाप बांध रहा है, खुद भी दुखी नहीं होना, ऐसी बात कह रही है जिनवाणी। सुनो, इस प्रयोजन से अपना कुछ भी हित भाषित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्ट पना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना कर रहा है। इसका मतलब सुख दुख तेरी कल्पना है, पर वस्तु से सुख दुख नहीं है। विषयों से सुख हो जाएगा, अरे यार आज तो डोसे बन जाए ना तो मजा आ जाएगा, आज तो ये हो जाए तो मजा आ जाएगा, यार काश ऐसा हो जाए, ये जो पार्टी आई थी ना बहुत लंबा ऑर्डर मिलने वाला है, काश हो जाए ऐसा तो सुखी हो जाऊंगा। भाई तू अपने कषाय भावों से सुखी दुखी होता है, ये कह रहे कल्पना कर रहा है तू सुख दुख की। और कषाय भाव के बिना, कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। वाह, यदि अंदर में कषाय भाव नहीं है तो सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। बोलो, कषाय भाव नहीं है मुनिराज के जीवन में, बात करो जैसे, अब उनको चाहे चक्रवर्ती आकर के उनके मस्तक टेके, चाहे कोई विरोधी आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करता रहे, दोनों ही परिस्थितियां सुख दुख की नहीं है उनके लिए। कमठ पत्थर बरसाता रहे वो दुखी करने में समर्थ नहीं है, और सौजन्य इंद्र आकर के उनके चरणों में अपना मुकुट धरे तो वो सुख का हेतु नहीं। बोलो, क्योंकि कषाय भाव नहीं है। सुख दुख का संबंध तो कषाय भाव से है, हमें कषाय ही नहीं है, मन में कषाय भाव ही नहीं रखा। अभी इसके कषाय भाव होता है ना तो सामने वाला प्रशंसा करता है तो खुश हो जाता है, ओह फिर तो मजा आ गया, मजा आ गया, और सामने वाला निंदा करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे तो इसका चेहरा लटक जाता है। अरे भाई, हम ये कहते हैं तूने अपने सुखी होने और दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों दे रखा है? दूसरे ने आपकी तारीफ कर दी, अरे ये बच्चा कितना अच्छा है, श्रद्धांत तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो मजा आ गया, ऐसा लगता है हमारे को, खुश हो जाता है, और दूसरे ने कहा ये बहुत बदमाश है तो दुखी हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है।
अरे भाई दूसरे के कहने से क्या फर्क पड़ता है, तू अपने कषाय भावों के आधार पर सुखी दुखी होता है, संयोगों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, दूसरे के कहने से नहीं, दूसरे के बतलाने से नहीं, दूसरे के बोलने से नहीं। इसलिए टोटरमल जी कह रहे हैं दूसरों की तरफ देखना बंद कर, अपनी तरफ देख। यदि तू अपने आप की तरफ देखेगा तो तेरा सारा सुख दुख मिट जाएगा, क्योंकि अपने आप को देखने से कषायें मिटती है। सुनो, जिन देव को देखने से कषायें मंद होती है और निज देव को देखने से कषायें मिटती है। तो क्या करना बोलो, जिन देव को भी इसलिए देखना क्योंकि जिन देव को देखने पर जिन देव बतलाते हैं कि तू मुझे नहीं अपने आप को देख, ऐसा भाव जागृत होता है। और जब मैं अपने आप को देखता हूं तो कषायें मिट जाती है और कषायों के मिट जाने से पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति होती है। तो ये कह रहे हैं बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, कुछ भी सुख दुख की दाता नहीं है। तथा कषाय है तो सर्वाकुलता में, जितनी भी कषायें होती है वे सारी की सारी कषायें तो आकुलता में हुआ करती है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना ये भ्रम है। क्या क्या निष्कर्ष दे दिया, सारी बात बतलाने के बाद, तेरी इच्छा के अनुसार सारी बात बतलाने के बाद में भी टोटरमल जी कह रहे हैं तू इच्छा करके मता भगवान के पास में, भिखारी बनकर के मता भगवान के पास में, और दुख से डरे मत। तू किससे डर रहा है, ये और संकट आ गया मेरे, अरे तेरे ऊपर आया ही नहीं है, तू किससे डर रहा है, घबराए मत, ये सब भ्रम है। नीचे तो इतनी गजब की लाइन कहना चाह रहे हैं, डांट लगाइए खींच करके, कल करूंगा उसके बारे में चर्चा, आज तो हो गया है अपना समय, फिर भी पढ़ देता हूं। देखो आप, पढ़ता हूं बात। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरंतादि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। सिद्धि हो जाएगी, सिद्धि तो होती है, स्वयमेव होती है, लेकिन इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। और यदि तूने ऐसा लौकिक प्रयोजन रख करके भक्तामर का पाठ किया, यदि तूने ऐसा लौकिक प्रयोजन रख करके कि कोरोना दूर हो जाएगा ये रख करके यदि तूने इस तरह का काम किया तो टोटरमल जी कह रहे हैं उल्टा पाप बंध का कारण होता है, उल्टा पाप बंधेगा तेरे को, ये कह रहे हैं ऊपर। तो अरंतादि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं, इस प्रकार अरंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं। हम सभी जिनेन्द्र देव की भक्ति और आराधना निस्वार्थ भाव से करते हुए अपने निज आत्मदेव की आराधना करके इन कषायों से मुक्त होकर अल्प काल में पंच परमेष्टियों में शामिल हो जावे, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। हाँ बोलिए।